हाय एवरीवन दिस इज सुभाष से आज हम लोग चार्ट पैटर्न के सीरीज के ऊपर सेकंड पार्ट के अंदर जाने वाले हैं पहला असेंडिंग ट्रायंगल था बहुत अच्छा परफॉर्म उसके अंदर हुआ था आज हम लोग इन डिटेल्स में डिस्कशन करने वाले हैं डबल टॉप डबल बॉटम लेकिन इसको मैं डबल टॉप डबल बॉटम नहीं कॉल करता नहीं पसंद करता मैं इसको डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न बताता हूँ इन डिटेल्स से देखेंगे ऑप्शन बायर कहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं या फिर ऑप्शन सेलर मैं कहाँ पर प्लान करता हूँ अगर मैं बाई करूँ ऑप्शन या फिर सेल करूँ या फिर पोजिशनल ट्रेड करूँ कहाँ पर प्लान करता हूँ किस तरीके से स्टॉप लॉस टारगेट क्या होता है

कल हम लोग देखेंगे कल हम ट्रेड कर रहे थे पहले जो पंद्रह बीस मिनट जो एक घंटा या दो घंटा पहले जो अपसाइड मोमेंटम रहा इट्स इन वन आवर के हिसाब से ऊपर की तरफ जा रहा था स्ट्रेच हो गया फिर हम लोगों ने सेल किया तो कहीं ना कहीं हम लोग को ट्रेड करने के लिए ऑपॉर्चुनिटी मिलेगा हिदा लाइव ट्रेडर्स क्लब है उन लोग बता सकते हैं किस तरीके से धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है मार्केट को देखने का नजरिया चेंज हो रहा है क्योंकि लॉजिकली समझना बहुत जरूरी है बहुत सारे लोग होंगे जब मैं टू थाउजेंड में ट्रेड करता था इंदा मनी पर ट्रेड करता था बहुत सारे लोग नहीं ये बहुत गलत है इस तरीके से कभी ऑप्शन ट्रेड किया नहीं जाता एंड ऑल ऑप्शन सेलिंग होता नहीं मैंने फोकस किया टू रिवॉर्ड के ऊपर एंड मोर देन हंड्रेड टू हंड्रेड के रिटर्न दैट टू की नहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस कंजूक्यूटिव ईयर में बने तब मुझे समझ में आया कि नहीं लॉजिकली अगर आपको चीजें समझ में नहीं आती उसको इग्नोर करो लेकिन अगर ट्रेडिंग समझना है पहले इनडेप्थ में समझो उसको कि नहीं प्राइस रेड कैसे होता है किस तरीके से मार्केट मूव करता है प्राइस बिहेवियर क्या होता है फिर धीरे धीरे आपको इजी लगने लगेगा जिस तरीके से मेरे लिए कैंडलस्टिक कुछ नहीं होता मेरे लिए स्ट्रॉग बोली स्ट्रॉग बिलिवीज होता है एंड पी थ्योरी के ऊपर मैं काम करता हूँ मैं सिंपल चीज़ों के ऊपर बिलीव रखता हूँ अगर हम लोग देखेंगे एम पैटर्न मतलब मार्केट यहाँ पे ऊपर के टॉप बनाया मार्केट स्विंग बनाया फिर ऊपर की तरफ गया हो सकता है थोड़ा ऊपर जाए या फिर कहीं से एक डबल टॉप बनाया मार्केट नीचे आया ये एम की तरह दिख रहा है तभी यहाँ पे कन्फर्मेशन हो रहा है कि नहीं हाँ ये एक डबल टॉप बन चुका है क्योंकि ये प्रीवियस

मोबाइल फोन छोटे मोबाइल फोन आते थे उस टाइम पे लोग ना नंबर याद रखते थे आप आज खुद सोचो एक या दो नंबर छोड़ने के बाद आपको किसी का नंबर याद नहीं होगा आपने अन, आपको क्यों लगने लगा क्योंकि ये अननेसेसरी चीजें आपको नंबर याद करने का जरूरत नहीं है तब नेसेसिटी हो जाता था क्योंकि आप नंबर डायल करते थे लोग आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा हो तो आपके माइंड को जितना काम करना है उतना क्योंकि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट आपका माइंड कितना काम है अगर आप सिंपल इंस्ट्रक्शन माइंड को दोगे तो माइंड मतलब क्या होता है आप कभी भी मुझे देखे नहीं हुए पैनिक करके ट्रेड करते हुए मैं हमेशा कीप किपिन काम करके ट्रेड करता हूँ क्योंकि सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से प्लान रहते हैं बहुत सिंपलिसिटी से प्लान होते हैं उसके लिए एग्जीक्यूट जू होता है तो इसको हम लोग डबल बॉटम नहीं हम लोग इसको डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न बोलेंगे यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न दिखा यहाँ पे एच बैंक ट्वेंटी जून आप लोग देख सकते हो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे आपको दिख रहा होगा ये एम पैटर्न दिखा यहाँ पे डब्ल्यू दिख रहा था एम पैटर्न दिख रहा था कुछ एग्जाम्पल देते हैं फिर हम लोग एंट्री एग्जिट के तरफ चलेंगे यहां पे अगर देखेंगे यहां पे भी डब्ल्यू पैटर्न यहां पे एम पैटर्न तो आपको ये सारे एग्जाम्पल समझ में आ रहे होंगे यहाँ पे आईसीआसी बैंक ऊपर डेट लिखा है आप लोग जाके क्रॉस चेक कर सकते हो फॉर कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोगों को डिस्प्ले दिख रहा होगा कि नहीं डब्ल्यू पैटर्न एम पैटर्न होता कैसे अभी हम लोग ट्रेडिंग के ऊपर चले जाते हैं पहले हम लोग कवर करते हैं ऑप्शन बाइंग के ऊपर अगर आपको ऑप्शन बाई करना है तो आपका टाइम फ्रेम फिफ्टीन मिनट हो जाना चाहिए फाइव मिनट भी नहीं फिफ्टी मिनट फाइव मिनट थोड़ा सा एग्रेसिव रहता है इसके लिए

एंड आपका 15 मिनट ये दोनों आपका रहेगा कि नहीं इस दोनों टाइम फ्रेम में आप यूज कर सकते हो 5 मिनट के साथ आपको ये में लगाना पड़ेगा एंड 15 मिनट के साथ आपके ऊपर आप ये में लगा सकते हो नहीं इट्स अप टू यू क्योंकि 15 मिनट में कभी कभी हो सकता है ये में टच कर जाए तो 15 मिनट आप बाइंग के साइड जब देख रहे हो सी बाइंग के साइड देख सकते हो अदरवाइज 5 मिनट सेलिंग uh, के साइड आप देख सकते हो 15 मिनट बाइंग के साइड ये में कंसिडर होगा नहीं होगा फिफ्टीन मिनट में डिपेंड करता है कुछ जरूरत भी नहीं है लेकिन फाइव मिनट में आपको लगाना पड़ेगा ये में क्योंकि वो बहुत फास्ट मोमेंटम करता है एक एक्स्ट्रा

का जरूरत नहीं है 5 पीएम में एक एसएल लगता लेकिन यहाँ पे हम लोग बच जाएंगे क्योंकि ये ऊपर की तरफ पुल हो गया लेकिन द मोमेंट इट ब्रेक दिस वन जो प्रीवियस स्विंग जो होगा वो जब भी, भी ब्रेक करेगा तब आपको कंफर्मेशन आ जाएगा कि नहीं हाँ यहाँ पे एक ट्रेड मिल सकता है क्योंकि यहां पे एक डबल टॉप का पैटर्न दिख रहा है या फिर एम पैटर्न दिख रहा है क्योंकि ये एग्जैक्टली exactly, आपको एम की तरह दिख रहा होगा एम पैटर्न दिख रहा है ये पॉइंट क्लियर हो गया तो हम लोगों को हमेशा ये पैटर्न तभी कंफर्म होगा जब ये एम टाइप दिखने लगा है, जब ये ब्रेक करेगा जब फर्स्ट स्विंग आएगा उसका लो ब्रेक करेगा या स्विंग ब्रेक करेगा तभी हम लोग को ये पैटर्न बनने वाला है पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा अगर इमेजिन करो ये फाइव मिनट के अंदर है तो जनरली मैं जनरली इसके अंदर क्या प्लान करता हूँ इसके अंदर आप एटीएम के अंदर प्लान कर सकते हो कि नहीं हाँ एट द मनी पे कुछ कॉल ऑप्शन बाई कर ले या सॉरी डबल टॉप है या फिर एम पैटर्न है तो यहाँ पे हम लोग कुछ पुट ऑप्शन बाय कर ले, लेकिन एट द मनी फाइव पी पे मैं थोड़ा सा दूर का परचेज करता हूँ फाइव पी पे क्यों क्योंकि लेट्स इमेजिन फाइव पी एमए का मेरा टारगेट रहता है वन इज टू इस तरीके का टारगेट रहता है तो मैं दूर का सौ या फिर एक का प्रीमियम में परचेस करता हूँ सो तो दैट अगर ये ट्रेंड में आ गया तो ये महीने अगर बन गया तो बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है लेकिन यहां यह है हम लोग डबल देख रहे हैं पहला बात है कि नहीं हो सकता है तो हम लोगों को दूर प्रीमियम भी परचेस करेंगे तो भी चलेगा लेकिन ऑलरेडी प्राइस मार्केट यहाँ तक आते आते हो सकता तो पे डबल टॉप या फिर एम पैटर्न बना चुका है और यहां से मार्केट ऑलरेडी फॉल हो चुका है हम लोग बीच में कहीं पर ट्रेन कैच कर रहे हैं तो बीच में ट्रेन कैच कर रहे

लॉस बड़ा दिख रहा है आप लोगों को इसके लिए टारगेट थोड़ा सा इसके अंदर कम रहता है एम पैटर्न इसके लिए मैं फाइव पीएम ट्रेड करता रहता हूं अगर मिल गया तो बड़ा प्रॉफिट मिल जाता है नहीं मिला तो फिर अगर कंफर्मेशन मिला बाद में ऐड कर सकते हैं पोजीशन बस इसलिए मैं इसको बता रहा हूं कि ना आने वाले टाइप में हो सकता है आप ट्रेंड रिवर्सल पहचान पाओ आने वाले टाइप में आप इंट्राडे डे पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग कर पाओ तो इसके लिए यूजफुल होता है आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया फर्स्ट थिंग थी फाइव मिनट या चार्टिफ्टीन मिनट चार्ट के अंदर फाइव पी में अगर फाइव मिनट चार्ट में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो ये में भी लगाना कंपलसरी है फिफ्टीन मिनट में जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पर आपको डब्ल्यू पैटर्न एम पैटर्न क्लियरली दिखेगा तो यहाँ पे हम लोगों का पैटर्न एम पैटर्न बन गया यहाँ पे हम लोग का एट द मनी पे मैं जनरली प्लान करता हूँ इन दिस के स्टॉप लॉस यहाँ पे रहता है और वन इच टू टू मिनिमम टारगेट उससे ज्यादा प्लान नहीं करता अगर चल गया तो ठीक है ज्यादा प्लान नहीं करता क्योंकि एट द मनी पे प्रीमियम हाई होता है थोड़ा सा भी अगर साइडवे चला गया तो प्रीमियम चला जाता है उसके लिए और फाइव ई का जो रूल था वो अलग है तो वो सिंपल है वो एट मोबाग थोड़ा सा दूर का हंड्रेड से लेकर हंड्रेड के आसपास ट्रेड करते थे प्रीमियम सो दैट हम लोग को वन इच क्योंकि हमको नहीं पता ये स्विंग कितना बड़ा बनने वाला है अगर छोटा स्विंग बना तो हम लोग को अच्छा प्रॉफिट मिलेगा हो सकता है कभी कभी ये बड़ा स्विंग बन जाए एक

वो तो उसको ट्राई करेंगे कि ना हम लोग होल्ड करेंगे या 80 या 90 परसेंट का प्रीमियम डिग्री हो जाए उस सेक्सपारी मतलब वो प्रीमियम का स्ट्राइक प्राइस का मार्केट यहां पे बना हम लोगों का एम पैटर्न बना करेक्ट एग्जैक्टली यहां पे हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिला किन बन गया। हम लोग टच करता है जनरली दो कंडीशन तो लोग थोड़ा सा डल लगता है या दूर का शॉर्ट करते हैं एग्जैक्टली exactly इसी पॉइंट के आसपास हम लोग प्लान कर सकते हैं कि नहीं चलो यहां पे कॉल शॉर्ट कर दे इसके ऊपर इससे क्या होगा मार्केट के पास आप, आपके पास स्कोप है मार्केट अगर यहां पे साइडवेज भी चला गया आप पैसा कमाओगे मार्केट यहां से अगर तेजी से नीचे गया

बहुत अच्छा है अगर ओटीएम आपको दिख रहा है कि दूर है और इतना ऊपर कवर नहीं करेगा तो ही पैसा मिल सकता है इन दिस केस मार्केट नीचे आया आपको पैसा मिल सकता है उसके बाद ये फिर बाद में रिवर्सल आया डिपेंड कि क्या हो सकता है ये अक्टूबर मंथ क्लोज के टाइम पर यहां पर क्लोज हुआ था उसके बाद रिवर्सल हुआ मंथ भर पर पैसा मिल चुका है हो सकता है कि नहीं इतना टाइम धीरे धीरे गया प्रीमियम डी हो चुका है आपके पास एनअ टाइम है कि नहीं आप कहीं पर भी निकाल दो लेकिन इसको डबल बॉटम डबल टॉप बोलना ही बंद कर दो ये एम जब तक नहीं दिखता तब तक कंफर्मेशन नहीं है तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं जैसे इन्वेस्टिंग के ऊपर हम लोगों ने इंटरनेट में देखा देखो मार्केट यहाँ नीचे की तरफ फॉल हुआ ये फर्स्ट स्विंग था लेकिन उसके नीचे फिर फॉलो हुआ आपको दिख रहा है ये डबल बॉटम बना नहीं फॉलू हुआ फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया यहां से फिर फॉलो हुआ दैट मीनस कंटिन्यूसली लोअर लो का फॉर्मेशन हो रहा है तो हमको टेंशन नहीं है मार्केट फिर ऊपर की तरफ गया फिर यहाँ पे नीचे आया आप देख रहे हो ये स्विंग बनाया स्विंग बनाने के बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ पुल हुआ फिर नीचे आया यहाँ पे प्रीवियस स्विंग को रेस्पेक्ट किया फिर ये ब्रेकआउट दे रहा आप दिख रहा है ये लेग तो ये जब ब्रेकआउट दिया यहाँ पे आप लोगों को एक डब्ल्यू लेटर दिख रहा होगा exactly पे लेटर आपको दिखा वीकली चार्ट के अंदर तो जब ये ब्रेक करेगा यहाँ पे एंट्री दिस इज आवर स्टॉप लॉस आप फर्स्ट लेग को नहीं देखेंगे जिस लेग में आपका एंट्री हुआ है उसके नीचे स्टॉप लॉस और इसका वन अगर इन्वेस्टिंग है तो वन इज डिपेंड करता है उतना मिनिमम स्टॉप लॉस टारगेट अगर ये ऑप्शन चार्ट होता तो उस हिसाब से हम लोग प्लान करते कि नहीं अगर कॉल ऑप्शन होता पुट ऑप्शन होता चार्ट रिमेन सेम लेकिन स्टॉप लॉस एंड ऑल यहाँ प्लान होगा एंड उसके बाद ये ऊपर की तरफ मूव किया जैसे जोमेटो अभी पेटीएम के अंदर ये आने वाले टाइम पे बन सकता है अगर हम लोग देखेंगे कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको एक डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा होगा कंटिन्यूसली मार्केट नीचे मूव किया यहाँ पे आपको डब्ल्यू पैटर्न दिखा हाँ मार्केट में फिर नीचे की तरफ आ गया विच इज फाइन अगर आप दस ट्रेड लोगे तीन ट्रेड लॉसेस होंगे लेकिन कब एंट्री लेना आपको समझ में आएगा ये यूफेरिया के अंदर आप प्लान नहीं करोगे कंटिन्यूसली सेलिंग का प्रेशर है फिर मार्केट में एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया है चांस कि नहीं पे एंट्री कर सकते हैं कैसे लिट हुआ उसके बाद मार्केट अपने आप को स्ट्रगल कर रहा है कहीं कहीं पैटर्न बना रहा है और कहीं पे एंट्री दिख रहा है फिर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है दैट मींस अगर आपको ट्रेड लेना है आज नहीं तो कल अगर आपको लग रहा है है कि नहीं ये स्टॉक जा सकता है, तो आपको वेट करना है तो जब भी मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है एक पॉइंट ध्यान में देखो, जो भी स्टॉक नीचे की तरफ गिरे हैं और आपको लग रहा है आज नहीं तो कल पोटेंशियल मिलेगा तो उसके अंदर दो पैटर्न बनेंगे आने वाले टाइम में हम लोग सीखेंगे एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन सकता है क्योंकि राउंडिंग कप बन के यहाँ पे आपको पैटर्न दे सकता है और एक पैटर्न बन सकता है लो पे कहीं पे क्योंकि ये नीचे की तरफ गिरा है ऊपर की तरफ पुल होगा और नीचे की तरफ जब यहाँ पे आपको स्विंग बनेगा ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है आने वाले टाइम में हम लोग देखेंगे कुछ स्टॉक्स के एग्जाम्पल देखेंगे कप एंड हैंडल पैटर्न में देखेंगे वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हो सकता है कुछ पॉइंट में अगर मिस किया हूं तो आने वाले टाइम में हम लोग उसको कवर करेंगे लेकिन दिस इज वन ऑफ द ब्यूटिफुल पैटर्न क्योंकि इसके अंदर आप ट्रेंड देख रहे हो बायर सेलर का एक बार आपको स्ट्रेंथ समझ में आ जाता है यहां से ट्रेंड स्विंग चेंज हो रहा है प्लान चेंज हो रहा है या फिर यहाँ पे आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है एक ट्रेंड चेंज हो रहा है तो वहां करो मनी फिर आप कॉल ऑप्शन करो पुट ऑप्शन बाय करो डिपेंड ऑन एम पैटर्न अच्छा प्रॉफिट हो सकता है इंटरडे के अंदर इंटरडे फाइव मिनट फिफ्टीन मिनट इन डिटेल्स में वीडियो देख के आपको समझ में आ गया होगा ही थैंक यू